तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये कर आप देखोगे इसको कि ये एक ब्लॉक है और इसका मास m है, और अगर एक बस है, गाड़ी है, कार है, अगर उससे ऐसे मैं रखूंगा तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। समझना आप इसको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे रखूंगा तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, लेकिन ब्लॉक और इस जो बस है उसके बीच जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो अगर मैं इस बस को एक्सलेट कर देता हूँ, एक खास एक्सलेशन दे देता हूँ, तो उस केस में जो ब्लॉक है वो सूडो फोर्स की वजह से रेस्ट में आ जाएगा। तो हमें वो एक्सलेशन निकालना है, उस पर्टिकुलर एक्सलेशन पे जिस पे ब्लॉक रेस्ट में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस एक्सलेशन को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उस एक्सलेशन को कंसीडर करूं जिस एक्सलेशन पे ये मूव कर रहा है, तो इमेजिन कीजिए कि एक ये वाली जो बस है, ये बस है, इस बस बस चल रही है ऐसे रोड पे, और इस पे ये ब्लॉक है एक खास एक्सलेशन ए पे, ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में है और उस समय बस की एक्सलेशन ये है, एक मिनिमम एक्सलेशन है। ठीक है ना, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, एक मिनिमम से कम एक्सलेशन रहेगा तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो अब अगर ब्लॉक पे फोर्सेस देखोगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो चलो एक बार फोर्स देख लेते हैं ब्लॉक पे। सबसे पहले नॉर्मल लगेगा इधर की डायरेक्शन ब्लॉक पे, ब्लॉक का एबिटी, और ब्लॉक नीचे आने की टेंडेंसी लग रहा, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा और एम जी नीचे की तरफ लगेगी, और इसके अलावा एक सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम। ये वो चार फोर्स है जो मिलके इस ब्लॉक को रेस्ट में रखेंगे। क्लियर है? तो चलो अब अगर ये चारों रेस्ट में रख रहे हैं तो यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है मस्ट बी इक्वल टू एम जी, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन म्यू। तो ये की इक्वेशन ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। दूसरा इसको सॉल्व करते हैं, सूडो इज इक्वल टू नॉर्मल के इक्वल होगा, तो एम ए इज इक्वल टू नॉर्मल की वैल्यू एम जी अपॉन म्यू आ गया। तो एम ने एम को खत्म कर दिया, तो एक्सलेशन मस्ट बी इक्वल टू जी अपॉन म्यू, या तो एक्सलेशन इससे अधिक होगा, या अगर एक्सलेशन, समझना आप इसको, अगर एक्सलेशन लेस देन है जी अपॉन म्यू तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, और अगर एक्सलेशन इक्वल है या ग्रेटर है जी बाई म्यू से तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा वहां पे। ठीक है, तो हमें मिनिमम एक्सलेशन निकालना है, तो मिनिमम एक्सलेशन के केस में दैट मस्ट बी इक्वल टू जी बाई म्यू, मतलब इतना मिनिमम एक्सलेशन होना चाहिए ब्लॉक को रेस्ट में रहेगा।